Hey, what's up, YouTube? This is Sultan and welcome to my channel. Guys, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. वो इसलिए क्योंकि आज का ब्लॉग है द मोस्ट सेक्सीएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, द बैक. एग्जैक्टली. तो आज हम करेंगे बैक वर्कआउट, जो कि बहुत ही जबरदस्त करने वाले हैं, क्योंकि हमारे को मसल ग्रो करना है. हमारा काम है लीन मसल ग्रो करना. सो वी विल फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स मोस्टली. आज के ब्लॉग में बहुत ही टफ एक्सरसाइज रहेंगी और हम प्रोग्रेसिवली वेट हल्लू 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 बढ़ाते जाएंगे. तो अब बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सीधा ऊपर जाएंगे और वर्कआउट स्टार्ट करेंगे. सो गाइस, बैक वर्कआउट कभी भी शुरू कर रहे तो उसकी स्ट्रेंथनिंग भी करो, स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से करो, क्योंकि नहीं तो बैक में स्टिफनेस फील होती वर्कआउट के बाद. कंपाउंड मूवमेंट में स्पेशली कर लेना अपन पहले तो बहुत ईजी, आगे चल के बहुत अच्छा रहता. वर्कआउट के उसमें आपको क्रैम्प्स नहीं आते, वर्कआउट के बाद भी नहीं आते, इंजरीज नहीं होते और वेट अच्छा लिफ्ट कर सकते. तो अब कर रहा हूँ कैसा, अब मैं तो रोलर फॉर्म से कर रहा हूँ. अगर आपके पास है तो करिए, नहीं तो स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते. वार्म अप बहुत जरूरी है. ऑल राइट, वार्म अप अच्छा हो गया. अब करेंगे मेन एक्सरसाइज. ओके, लेट्स गो. सो गाइस, ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच हो गई, वार्म अप अच्छा हो गया. अभी अपनी बॉडी रेडी है टू लिफ्ट हैवी वेट. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको क्रैम्प 100% आते. अभी मसल पूरा लूज हो चुका है तो अब यहाँ से जो वर्कआउट रहेंगी वो हैवी वेट रहेंगी. तो कोसा भी सेट कर रहे हैं अपन हैवी, तो उससे पहले क्या करना है अपने को, जो भी वेरिएशन कर रहे हैं उसका लाइट वेट पे 10-15 रेप 20 रेप मार लेना. उसमें क्या होता, अपना नर्वस सिस्टम रेडी हो जाता तो लिफ्ट हैवी. तो उस तरीके से अपन आगे जाके वेट बढ़ा के भी मार सकते हैं बहुत. तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट उठाओ, ईगो लिफ्टिंग में मत जाओ. चलो अब वर्कआउट शुरू करेंगे. अरे भाई, कितने बार समझाना आपको वर्कआउट के बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करना. ये फंस गया. आपको अगर कुछ भी डाउट है वर्कआउट के तो मेरे वर्कआउट के बाद आप आके पूछिए या वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले. जी, अच्छी बात. जिम के मैनर्स रहना, आपको एटिकेट रहना. अरे भाई, कोई वर्कआउट कर रहा तो मैं जाके उसे बात कैसा करूं बोले. मैं आपको कितने बार समझाया. और बॉडी कब बनती, साइलेंस में बॉडी बनती. आप आके डिस्ट्रैक्शंस कर रहे, दूसरों की वर्कआउट खराब कर रहे, खुद की वर्कआउट भी आपकी वो हो जा रही. वही मार देने वाला आपको. बॉडी साइलेंस में बनती, बॉडी साइलेंस में बनती. आप बात कम करना, डाउट कम पूछना और वर्कआउट पे ध्यान देना. आपके चीजा क्या अलग रहते, आप वर्कआउट कम करते सिर्फ बात 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 बोलते, बॉडी नहीं बनती भाई. बॉडी जब ही बनती जब आप वर्कआउट करेंगे और साइलेंस में बनती बॉडी. अगर आप बात करते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस करते रहेंगे, खुद की वर्कआउट खराब, दूसरों की वर्कआउट भी खराब. तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप वर्कआउट करिए जी, करते रहिए करते रहिए. एक दिन आपका सवाल का जवाब आपके सामने आ जाता. बिल्कुल. मैं आपको खाली पूछा मेरे बॉडी कैसा बनती है, आप उसे में आ जा रहे हैं.
अरे भाई गुस्से में आने के सर के काम आप कर रहे हैं आप, बिकॉज दो घंटे से कोई नॉन स्टॉप वर्कआउट कर रहा, उसका बॉडी गर्म रहता, उसका दिमाग गर्म रहता उसका। पूरी दुनिया यही बोलती बेटे, चलिए। अब दिमाग जब गर्म रहता उन्हें, उसको मालूम नहीं रहता कि उन्हें क्या बात कर रहा क्या नहीं कर रहा। और आपको भी थोड़ा सेंस रहना, सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं आप। अरे लौंडे आते चलती मशीन में हाथ डाल के परेशान होते खुद ही। भाई आगे वाला वर्कआउट कर रहा, दो घंटे से नॉनस्टॉप वर्कआउट कर रहा, मैं जाके उसको क्यों डिस्ट्रैक्शन करूं, क्यों डिस्टर्ब करूं बोल के आपको रहना हो, आपको सेंस ही नहीं है आपको। तो नेक्स्ट टाइम मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे से कुछ भी बात करना चाह रहे या वर्कआउट से पहले पूछिए, या होना बोल तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मेरा कॉन्टैक्ट करिए, मेरे को बात करिए मेरे को। कृपया व्यस्त है सर। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे, ये सागर नहीं मेरे हम जैसे, जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। बट वर्कआउट के बीच में आके जो लोग डिस्ट्रैक्शंस करते रहते, अरे भाई ये कैसा करना, बॉडी नहीं बन रही, ये क्या करना, वर्कआउट के बाद में क्या प्रोटीन लेना, क्या लेना। खाली प्रोटीन प्रोटीन बोल तो नहीं होता, हार्ड वर्क करना पड़ता। यू हैव टू स्लॉग योर एस, यू हैव टू कम टू द जिम एंड यू हैव टू स्लॉग योर एस। Till then you won't get your body. तो दुनिया में कोई ऐसा प्रोटीन नहीं बना जहाँ पर आप प्रोटीन खाते बॉडी बन जाती है। आप आके हार्ड वर्क करना पड़ता, हार्ड वर्क से रिजल्ट आता। हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। A few moments later. बस उतना ही। आप हार्ड वर्क करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। अरे नहीं भाई कोसा प्रोटीन लेना, क्या प्री वर्कआउट लेना, क्या सु क्या लेना, वो खाली उसमें च रहती, दुनिया पूरी उसके पीछे जाके बर्बाद हो जा रहे लोग। कैसे होगा साला मेरी जिंदगी का। तो मैं नहीं चाह रहा कि वो पॉपुलेशन में आप भी रहो, मेरे को अफसोस हो रहा। आप मेरे छोटे भाई है बोल के मैं आपको इसलिए इतना इंटरेस्ट लेके बोल रहा हूँ। वर्कआउट देखो अभी करते करते मैं छोड़ के बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेंगे आपको ऐसा। तो वर्कआउट के बीच में आप बात मत करिए, एक्सरसाइज करिए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता। होप यू ऑल गाइस अदर साइड ऑफ द वीडियो गॉट द पॉइंट, यू बेटर गेट इट। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। आई वॉन्ट टू बी सर्व्ड इन नाउ, इन नाउ। आई वॉन्ट टू बी सर्व्ड इन नाउ। I want yourself in reject now. चलो अब वर्कआउट शुरू करेंगे। लैट पुल डाउन के 5 सेट हो गए, अब इसके 5 सेट। यस, फुल रेंज ऑफ मोशन। ऊपर
सो गाइस ऑल राइट फाइनल वेरिएशन है अपना पुलअप्स। पूरी वर्कआउट करे हुआ पुलअप्स करो क्या हाल होता देखो। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहे पुलअप्स तो असिस्टेंट पुलअप्स पे पुलअप्स कर सकती। सेट मार के बात कर दो ऑल राइट गाइस पुल अप बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरिएशन है लैट्स को बड़ा करने के लिए लैट्स को ग्रो करने के लिए लैट्स की मसल ग्रो करने के लिए। तो नेवर एवर मिस वार्म अप में भी करो और अपनी वर्कआउट में भी ऐड करो। इसको वार्म अप में कर लिए वैसा वार्म अप नहीं है। पुल अप्स को पर्टिकुलरली एक वेरिएशन की तरह फोर सेट फाइव सेट करो आप फिर देखो आप दो हफ्ते रेगुलर करके कैसे लैट्स में ग्रोथ दिखती है आपको। ये तो कोच खान है आप सब लोग जानते हैं इनको। देखिए इन्हों कैसा कंट्रोल रैप करते हैं मसल और माइंड कनेक्शन रखते हुए कितना आराम से उन्हों रिलैक्स करते। इसी तरीके से अपने को करना है कंट्रोल रैप्स। इनके चेहरे पे दिख जाता आपको कि इसे कहते हैं मसल के साथ दिमाग में भी दर्द होना। वेरी नाइस। यहाँ से हाउस ऑफ चैंपियन में सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से दिखते। वेरी गुड देख रहे हैं आप चेहरे पे दिख रहा उनके। वन मोर रैप आता हूँ ये है इसे कहते हैं फेलियर रैप। बॉडी बिल्डिंग शॉर्ट में बोला तो बॉडी बिल्डिंग इज़ अ मैराथन लेकिन तकरीबन यंगस्टर्स ये मान के चलते कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ स्प्रिंट। तो हर सेट के लिए टाइम लगाना हर रेपिटेशन के लिए टाइम लगाना वो इट इज़ अ मेंटल गेम। वो एक तरीके का मेडिटेशन है बॉडी बिल्डिंग। हर रेप को हर फाइबर को फील करना फिर जाके वो स्ट्राइशंस वो डेफिनेशन निकल के आता लेकिन लोग समझते कि मेडिसिन लेने से ही पूरा हो जाता। तो बस यही है मैसेज कि पेशेंस रखिए और बिलीफ रखिए कोच के ऊपर और ये मत समझिए कि कुछ आर्टिकल्स पढ़ने से आपको नॉलेज आ गई। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसलिए कोई कोच को हायर करिए कोई कोच के अंडर करिए और बस माँ बाप की इज्जत करिए बाकी सब सेट हुआ। तो गाइस वर्कआउट तो हो गई थोड़ा सा मॉडरेट कार्डियो कर लेंगे क्योंकि ज़रूरी है मेंटेन योर लीन गेंस। गेन का मतलब कुछ भी ऐसा कचरा नहीं थोड़ा कार्डियो भी उतने इम्पोर्टेंट है जितना कि अपने को मसल ट्रेन। तो ज़्यादा हैवी नहीं करना है मीडियम स्लो वॉकिंग करना है अपने को कार्डियो पर थोड़ा सा मीडियम वॉक कर लेंगे 10 से 15 मिनट का। ऑल राइट गाइस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप लोग ये वर्कआउट करो कैसा फील हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आई कैन गारंटीड यू कि ऐसा है लैट्स निकल के हैवीनेस फील होता और मसल माइंड कनेक्शन अच्छा रखो प्रॉपर फॉर्म के साथ वर्कआउट करो तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता। हड़बड़ी में टेढ़ा बिंगा वेट लिफ्टिंग में ईगो लिफ्ट मत करो प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करो और आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लिफ्ट करो और कंट्रोल रैप्स करने की कोशिश करो। नहीं आ रहा तो कोशिश करो आगे चल के आ जाता। तो इसी तरह से आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ नए वर्कआउट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करिए। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट।